नमस्कार दोस्तों, आपको हमने GS 800 के बारे में बताया, स्टालिन के बारे में बताया और आज उसी सीरीज में एक वीडियो और लेके आया हूँ। वो है T-90 भीष्म टैंक। ये कोई मामूली टैंक नहीं है, ये है एक बीस्ट टैंक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो ये T-90 टैंक है ये रशिया में बनाया गया था। इसके पहले जो टैंक था वो T-72 था और इससे जो ऊपर टैंक था वो था T-80। अब T-72 की बॉडी लेके इन्होंने T-80 की फीचर्स डाले और ये बनाया T-90। अब रशिया के अंदर जो यूज होता है वो होता है T-90A और इंडिया के अंदर जो लाया गया था वो लाया गया है T-90S। अब T-90S T-90A से थोड़ा सा नीचे कैटेगरी का, लेकिन उसके अंदर हम तीन अलग अलग कंट्रीज से सब कॉम्पोनेंट्स लगाते हैं जिसकी वजह से ये T-90A से भी ऊपर हो जाता है। सबसे पहले इसको 2001 के अंदर 310 यूनिट्स मंगाए गए थे, उसमें से 124 यूनिट्स जो थे वो कम्प्लीटली बने हुए आए थे रशिया से, लेकिन बाद के जो यूनिट्स थे वो नॉकडाउन यूनिट्स थे या फिर सेमी नॉकडाउन यूनिट्स थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की इंडिया के अंदर, इसलिए आज के टाइम पे इंडिया के तमिलनाडु स्टेट के अंदर इस टैंक को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब इस टैंक की ओवरऑल लुक की बात करते हैं। इस टैंक का जो हल है वो 20 इंच आर्मर से बनाया गया है जिसके अंदर तीन लेयर है। सबसे पहला जो सिरामिक लेयर, उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद आता है एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। इस टैंक को चलाने के लिए सिर्फ तीन लोग चाहिए होते हैं, सिर्फ तीन लोग, बाकी किसी टैंक के अंदर चार से पांच लोग चाहिए होते हैं, लेकिन इस टैंक को चलाने के लिए सिर्फ तीन लोग चाहिए होते हैं। सबसे पहला होता है कमांडर। कमांडर का मेन टास्क होता है टैंक को ये बताना कि टैंक को कहाँ जाना है, किस एंगल में फायर करना है और किस डायरेक्शन में फायर करना है। साथ ही साथ उसके पास होती है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन जो 2 किलोमीटर तक किसी भी एयरक्राफ्ट को गिरा सकती है। इसको कमांडर चाहे तो मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकता है या फिर ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद आता है टरेट, उसके अंदर बैठा होता है एक गनर। अब गनर का ये काम होता है, जो कमांडर ने इंस्ट्रक्शन पास किए हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर कितनी फोर्स से फायर करना है, उसका वो काम होता है। अब गनर के साथ साथ कोई रीलोड करने के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ऑटोमेटिक रीलोड सिस्टम है। अब इस कैनन की खास बात यह है कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के बॉम्ब भी फायर किए जा सकते हैं, प्लस रॉकेट्स भी फायर किए जा सकते हैं। जी हाँ, रॉकेट्स भी, एंटी टैंक मिसाइल्स भी फायर किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है हल। अब हल के अंदर एक ड्राइवर होता है जो कंट्रोल करता है कि टैंक कहाँ जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और कितनी स्पीड से जाना चाहिए। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और ऑफ रोड इसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये टैंक चलता हुआ भी फायर कर सकता है क्योंकि इसके अंदर है एक एडवांस जायरोस्कोप सिस्टम। अब जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस होता है, वो हमें बताता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो वर्टिकल लाइन है वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको कहते हैं हम जायरोस्कोप। आपके ट्राइपॉड के अंदर ये जायरोस्कोप बना होता है, इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस टैंक के अंदर एडवांस सिस्टम है जिसकी वजह से ये टैंक चलते हुए भी फायर कर सकता है। प्लस अगर ये टैंक 360 डिग्री एंगल में टर्न कर रहा है तब भी जो कैनन का एंगल है, जो कैनन का डायरेक्शन है, जिस टारगेट के ऊपर लॉक किया हुआ है तब भी उसी एंगल पे लॉक रहेगा और जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो भी उसी एंगल पे लॉक रहेगी। यानी कि कमांडर, गनर और ड्राइवर का तीनों का इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। अब इस टैंक का वेट है 46 टन, जिसको मूव करने के लिए V12 पिस्टन इंजन लगाया गया। जी हाँ, टर्बाइन इंजन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर पिस्टन इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 800 हॉर्स पावर। अब इस टैंक की खास बात यह है कि इतने भारी वजन होने के बाद भी इसके जो कैटरपिलर ट्रैक्स हैं वो इसके वेट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सस्पेंशन की बात मत कीजिएगा क्योंकि टैंक्स के अंदर जो सस्पेंशन होते हैं वो बेहतरीन होते हैं, इसलिए ये टैंक मिट्टी पे चल सकता है, रेगिस्तान में चल सकता है, ऊबड़ खाबड़ इलाकों पे चल सकता है, दलदल के अंदर चल सकता है और साथ ही साथ पानी की सतह के ऊपर भी चल सकता है। जी हाँ, पानी के ऊपर नहीं, पानी का जो तल है उसके ऊपर भी चल सकता है। ये टैंक 5 मीटर तक पानी के अंदर चल सकता है। अब जो कमांडर है उसके पास दूर तक देखने के लिए एक थर्मल विजन कैमरा होता है। अब थर्मल विजन कैमरा क्या होता है? वो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को चेक करके वो दिखा सकता है कि वहाँ पर कुछ हीट सिग्नेचर है। हीट सिग्नेचर मतलब या तो इंसान का हीट सिग्नेचर होगा या टैंक का हीट सिग्नेचर होगा या फिर गाड़ी का हीट सिग्नेचर होगा। इसकी जो रेंज है वो लगभग 6 किलोमीटर तक है और जो कैनन की रेंज है वो 5 किलोमीटर तक है, यानी कि 5 किलोमीटर तक वो एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर हिट कर सकता है। कैनन का साइज है 125 मिलीमीटर, यानी 125 मिलीमीटर का कोई भी एमिनेशन होता है वो फायर कर सकता है, जो रॉकेट होती है, जो मिसाइल होती है उसको फायर कर सकता है। और जो एंटी एयरक्राफ्ट गन का साइज है वो है 12.7 मिलीमीटर। इस एडवांस जायरोस्कोपिक सिस्टम की वजह से, प्लस जो एंटी एयरक्राफ्ट गन को रिमोट कंट्रोल यूज़ करने की वजह से और अपने टारगेट के ऊपर लॉक करने की वजह से, इसकी जो कैपेबिलिटी है
वो इतनी अच्छी है कि इसको वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट टैंक्स हैं उनके अंदर शामिल किया गया है। ये दुश्मन को 6 किलोमीटर दूर से देखकर फायर कर सकता है। इसके जो एंटी एयरक्राफ्ट गन की कैपेबिलिटी है वो 2 किलोमीटर तक, यानी कि 2 किलोमीटर आसमान के ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट दिख जाए उसको ये गिरा सकता है। इसका जो टारगेट है, अगर एक बार उसके ऊपर गनर लॉक कर दे तो चाहे टैंक कितनी भी स्पीड में हो, चाहे कैसी भी मूवमेंट हो, इस जायरोस्कोपिक सिस्टम की वजह से वो अपने टारगेट के ऊपर लॉक रहेगा। और हाँ, ये टैंक चलते टाइम भी फायर कर सकता है और जंप करते हुए भी फायर कर सकता है। इसी वजह से इस टैंक को इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक कहा गया है। साथ ही साथ इस टैंक के ऊपर बहुत सारी एडिशनल अटैचमेंट्स भी लगाई जा सकती हैं। इसके ऊपर एडिशनल फ्यूल लगाया जाता है और इसकी जो मेन फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 1600 लीटर। 1600 लीटर का फ्यूल अपने साथ कैरी करता है, प्लस एडिशनल फ्यूल भी कैरी कर सकता है। इसकी एक फ्यूल टैंक में जो किलोमीटर्स की रेंज है वो है 540 किलोमीटर, यानी कि 540 किलोमीटर ये लगातार चल सकता है सिर्फ एक टैंक के बलबूते पे। उसके बाद उसको रीफिल भी किया जा सकता है, उसके बाद फिर उसकी रेंज एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये था T-90 भीष्म टैंक, जो इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है और कहीं पर भी जाने के लिए सक्षम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाएं। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।